हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण अकेडमी पर। क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स। अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व किया था, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 1.2। अब इस एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे एक टॉपिक का डिस्कशन कर लेते हैं जो आपका पूरे एक्सरसाइज 1.2 में आने वाला है। नंबर लाइन, देखो नंबर लाइन पे आपको यहाँ पे नंबर्स डिनोट करने हैं, ठीक है। तो देखो आपने जो भी सीखा था अभी तक यहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर, ये सभी चीज़ें आपने सीखा था। इसी को आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर लाइन पर डिनोट करना है। सपोज़ मैं यहाँ पे अगर एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा आपका नंबर लाइन। ये लाइन है, यहाँ पे नंबर को डिनोट कर दोगे तो हो जाएगा आपका ये नंबर लाइन इस तरह। अब देखो अगर नेचुरल नंबर्स को डिनोट करना है तो कहाँ पे आएगा, आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो आप 1 लिखोगे, ऐसे 2 लिखोगे, आगे जो भी नंबर लिखना चाहे लिख सकते हो। तो अगर नेचुरल नंबर्स होंगे तो देखो आप यहाँ लेफ्ट साइड यहाँ नहीं आगे बढ़ सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 के लेफ्ट साइड आप नहीं जा सकते इधर। एंड राइट साइड आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट तक मूव कर सकते हो। जितना भी आपको नंबर दिया जाए आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट तक मूव कर सकते हैं नेचुरल नंबर में। नेक्स्ट है आपका, अगर आप होल नंबर्स डिनोट करना चाहो तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, आपको पता है 0 से, 0, 1, 2, 3, ऐसे इनफाइनाइट। तो यहाँ देखो 0 के आप इधर लेफ्ट साइड आगे नहीं डिनोट कर सकते कुछ भी होल नंबर्स को, बाकी इधर आप कितना भी डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपको पता है ए -1 इधर, ए 0, ए 1 इधर, 2 इधर, और आगे जाओगे तो 3, इधर जाओगे तो -2, इधर जाओगे तो -3। दैट मीन्स आप दोनों साइड क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट तक मूव कर सकते हो, बट किस में, इंटीजर्स में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर में क्या होता है, यहाँ पे रेशनल नंबर में आप सपोज़ अगर यहाँ नंबर लाइन पे डिनोट करने जाओगे कोई को भी यहाँ पे 0, तो 0, 1 और -1 के बीच ही आप डिनोट कर पाओगे। आगे भी होगा 2, 3, 4, ऐसा आप आगे जा सकते हो, लेकिन इतने के बीच ही आपको डिनोट करने को आएगा। क्योंकि देखो कोई भी नंबर आप रेशनल नंबर में लिखोगे, जैसे 5/6 आपने लिखा, ठीक है, इस तरह वाले नंबर, तो क्या आएंगे, 1 के बीच में ही आएंगे, है ना। अब 5/6 क्या है, लेस देन 1 ही आएगा ना, क्योंकि ऊपर क्या है, लेस नंबर है, नीचे ग्रेटर है। देयर फोर ये क्या आएगा, लेस देन 1 ही आने वाला है। माइनस में करोगे तो माइनस भी, माइनस लेस देन 1 आएगा ये, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है एक्सरसाइज 1.2 में, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। किस तरह से करोगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 7/4। एक क्या है आपका रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, इस तरह से एक नंबर लाइन बनाओगे। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, 0 होगा। हमें देखो निगेटिव नंबर्स नहीं लेना, इसलिए मैं 0 यहाँ पे बना देता हूँ तो भी चलेगा। इधर आप -1 भी लिख सकते हो इस तरह, नहीं लिखोगे तो चलेगा। राइट साइड आपको यहाँ पे पॉजिटिव वाले नंबर्स लिखने हैं। किस तरह से लिखोगे, 7/4 है ये, ठीक है, 7/ क्या है, 4 है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिखो, ये आएगा आपका ऐसे, आप देखो सेम डिस्टेंस लेना इसके बाद, तो ठीक है 1/4, जो 4 है ना उसी को 1 से स्टार्ट करने का यहाँ तक जाना है। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब ये 4/4 ही तुम्हारा क्या है, 1 भी हो सकता है। नेक्स्ट आगे 5/4, देन 6/4, इस तरह 7/4 तक आपको जाना है। आगे अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो 7/4 तक। तो यहाँ पे मैंने नंबर फर्स्ट वाला लिया, आपका ये नंबर लाइन है, ये रहा नंबर लाइन, इस तरह बनाया। अब यहाँ पे 0 है, ये रहा आपका 0। आगे मैंने बोला था 1/4 स्टार्ट करना इस तरह से, 1/4, 2/4, 3/4, और ये क्या है आपका 4/4, जिसको क्या लिखा है, 1 लिखा है, लिख सकते हो। 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा। सो आगे 5/4, 6/4, 7/4, नेक्स्ट लिखोगे आप 8/4, 4 2 क्या आएगा 8, उसी को यहाँ पे 2 लिखा गया है। अब डिनोट कहाँ करना था, 7/4, तो वहाँ ऐसे राउंड करके ऐसे सर्कल कर दो, ये आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। इतना ही हमें करना है, दूसरा कुछ भी करना नहीं है। अब -5/6 है तो आप कैसे डिनोट करोगे, इस तरह से -5/6 लिख लो।
अब आपको यहाँ पे नंबर लाइन ऐसे कर देना है। अब आपको पता है कि निगेटिव आएगा तो निगेटिव मतलब इस साइड जाएंगे नंबर्स, तो यहाँ जीरो ले लो। अब इस साइड लिखो माइनस फाइव बाई सिक्स, मतलब नीचे यहाँ पे सिक्स आएगा तो वन बाई सिक्स बट माइनस में, माइनस टू बाई सिक्स, इस तरह से आप लिखते जाओ कहाँ तक, माइनस फाइव बाई सिक्स, माइनस सिक्स बाई सिक्स भी लिखोगे तो वो भी चलेगा। ये हो जाएगा माइनस सिक्स बाई सिक्स आपका वन, सिक्स वन जा यहाँ पे सिक्स, इसलिए तो नंबर लाइन आपको अच्छे से यहाँ पे दिखेगा। ये रहा, यहाँ मैंने ज़ीरो ले लिया, इसके इस साइड हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि माइनस फाइव बाई सिक्स हमें यहाँ पे डिनोट करना है। तो माइनस वन बाई सिक्स, देखो डिस्टेंस सेम होना चाहिए, हाँ स्केल से ड्रॉ करना ठीक है, स्केल और पेंसिल से। तो माइनस टू बाई सिक्स, माइनस थ्री बाई सिक्स एंड माइनस फोर बाई सिक्स, माइनस फाइव बाई सिक्स और ये क्या होगा माइनस सिक्स बाई सिक्स, वही आपका क्या हो जाएगा माइनस वन। यहाँ पे आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो नंबर माइनस सेवन बाई सिक्स, बट हमें नहीं लिखना है, इतना ही काम है। माइनस फाइव बाई सिक्स को यहाँ पे डेनोट कर दिया आपने, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, रिप्रेजेंट माइनस टू बाई इलेवन एंड माइनस फाइव बाई इलेवन एंड माइनस नाइन बाई इलेवन ऑन द नंबर लाइन। तो ये सबको डिनोट करना है, तो आप एक नंबर लाइन ऐसे बनाओ। अब आपको पता है माइनस वाले डिनोट करना है तो यहाँ से ले लो ज़ीरो, ठीक है। अब इधर साइड आना है क्योंकि इधर नंबर चाहिए हमें, इस साइड तो जाना नहीं है, इधर ही जाना है हमें। ओके, तो इलेवन है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड में इलेवन को रखेंगे, सब माइनस में ही है। तो माइनस वन बाई इलेवन ऐसे, माइनस टू बाई इलेवन, माइनस थ्री बाई इलेवन, इस तरह से आप लिखते जाओगे, माइनस फोर बाई इलेवन, ठीक है, माइनस फाइव बाई इलेवन। तो आपको कहाँ तक जाना है, देखो माइनस टू, माइनस फाइव, माइनस नाइन, तो माइनस टू बाई इलेवन तो यहाँ आ गया, यहाँ डिनोट कर दोगे। माइनस फाइव बाई इलेवन यहाँ पे है तो आप यहाँ पे डिनोट कर दोगे। देन माइनस सिक्स बाई इलेवन, देन माइनस सेवन, ऐसे आप नाइन तक जाओगे, टेन तक भी जा सकते हो, इलेवन तक भी जा सकते हो, बट डिनोट कहाँ करना है यहाँ पे। तो नंबर लाइन दिखाता हूँ आपको, इस तरह से होगा ज़ीरो, ठीक है, माइनस वन बाई इलेवन, माइनस टू बाई इलेवन, माइनस थ्री बाई इलेवन, माइनस फोर बाई इलेवन, माइनस फाइव बाई इलेवन, माइनस सिक्स बाई इलेवन, माइनस सेवन बाई इलेवन, माइनस एट बाई इलेवन, माइनस नाइन बाई इलेवन, माइनस टेन बाई इलेवन, माइनस इलेवन बाई इलेवन, इस तरह से था ये। तो इलेवन से इलेवन कट गया, वन बचा माइनस में, तो ये यही है, माइनस इलेवन बाई इलेवन को माइनस वन भी लिख सकते हो आप। तब जहाँ जहाँ बोला था वहाँ वहाँ डिनोट कर दो। माइनस टू बाई इलेवन ये रहा, यहाँ पे डिनोट कर दिया। माइनस फाइव बाई इलेवन यहाँ पे है तो यहाँ पे डिनोट कर दिया। माइनस नाइन बाई इलेवन यहाँ पे है तो यहाँ पे डिनोट कर दिया। सिंपल, आपको इतना ही काम इसमें करना था। ओके, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।